हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नया कुछ अलग लेके आया हूँ। ये गेम जिसका नाम है बेलाट्रो, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। और मैं आप लोगों को शायद नहीं पता होगा बट मैं रोग लाइक गेम्स खेलता हूँ, मुझे डेक बिल्डर्स भी बहुत पसंद है। और फिलहाल खैर अभी तक तो मैं एक ही गेम खेला हूँ जिसका नाम है स्ले द स्पायर, और मुझे वो गेम बेहद ही पसंद है। मैंने करीबन 150-200 घंटे उसमें, 150 से ऊपर घंटे मैंने स्पेंड किया हुआ है, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो गेम। और उसके बाद मेरी नज़र इस गेम पे पड़ी थी जिसका नाम है बेलाट्रो। ओके, ये भी रोग लाइक डेक बिल्डर गेम है और काफ़ी डीप है। पोकर पे थीम जो है ये गेम की पोकर है, बट आपको पोकर आना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बेसिक मैथ्स और सिंपल सी गेम है। पहले मुझे भी थोड़ा मैं डर गया था कि मुझे आएगा नहीं आएगा, और इसकी गेम प्ले वैल्यू बहुत है और मतलब रिपीट आप खेल सकते हो जितना चाहो। मैंने अभी जस्ट शुरू किया है और ये सब खेलते खेलते कार्ड्स आप अनलॉक कर सकते हो। आप देख सकते हो लगभग 200-250 कार्ड्स हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये आप जैसे जैसे खेलते जाते हैं आप इसको अनलॉक करते जाते हैं। मैं दिन में खेला था और मुझे काफ़ी मज़ा आई थी, एंड मैं अब आप लोगों के साथ एक नया रन करने वाला हूँ, न्यू रन करेंगे अपन। फंडा बहुत सिंपल है गेम का। पहले तो सिलेक्ट करना है अपनी ब्लाइंड, तो आपका ये होगा, मैंने सिलेक्ट किया स्मॉल ब्लाइंड। आपको अचीव करना है ये 300 का स्कोर। बराबर है, आपके पास 3, 3, 6 और 2, 8 कार्ड पड़े हैं और आपकी डेक है 52 की, ठीक है। अब आपको ये स्कोर अचीव करना है, और हर कार्ड का स्कोर बोलो या चिप्स बोलो या पॉइंट्स बोलो, तो अपने चिप्स बोलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो हर कार्ड की एक चिप वैल्यू है। जैसे ये जो हैंड है आया है मेरे पास, ये जो रैंडम कार्ड्स मेरे पास आए हैं, तो उसकी हर कार्ड की एक वैल्यू है। तो इसमें किंग का 10 है, जोकर का 10 है, 9 का 9, 6 का 6, 5 का 5, 4, 3, 2, ऐसे चिप्स हैं। मैं खेलते जाऊंगा आपको समझ में आएगा। हमारे पास 4 डिस्कार्ड है, मतलब हम कोई भी चार बार कार्ड्स डिस्कार्ड करके उसके रिप्लेसमेंट कार्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं, और इसमें मल्टीप्लायर का इफेक्ट आती है। मैं खेलूंगा अभी, आप सुन लो खाली, अभी खेलूंगा तो आपको आइडिया आएगा धीरे धीरे। मैं भी आप लोगों के साथ सीख ही रहा हूं, बट इजी गेम है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हाई कार्ड मतलब अगर एक का उतरा और बाकी जो टोटल आपको 5 कार्ड एक साथ खेलने होंगे, तो अगर आपने एक हाई कार्ड उतरा, मतलब लेट से आपने एक का उतरा, तो आपको उसको हाई कार्ड का ही जो वैल्यू होगा, इक्का का कितना वो मुझे नहीं पता, वो मेरे को देखना पड़ेगा कितना 20 है या कितना है, तो 20 × 1 उसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं होगा। अब अगर आप पेयर ऑफ 2 कार्ड्स खेलते हो, जैसे 2 9 हुए, तो आपको 2 का मल्टीप्लायर मिलेगा, मतलब 9 की वैल्यू है 9 पर आपको मल्टीप्लायर होगा 2, तो 10 × 2 = 20 हो जाएगा। 2 इक्के उतरोगे, 1 इक्के का वैल्यू है 20, अगर 2 की पैर उतरोगे, मतलब 2 पैर उतरोगे जैसे 2 इक्के और 2 चौके, तो आपको 20 × 2 का मल्टीप्लायर मिलेगा। 3 of a kind मतलब 3 10 से, और बाकी के 2 कोई भी रैंडम कार्ड्स, तो आपको 13 × 3 का मल्टीप्लायर मिलेगा। खेलते जाएंगे और आपको पता करता हूँ। अभी ये मेरे कार्ड में क्या है, मेरे पास 1 2 3 4 चार एक कलर के कार्ड है, और मतलब 4 of a, इसमें फ्लश बोलते हैं इसे, 5 कार्ड्स सेम कलर के, भले कोई भी हो, एक का राजा दसा पंजा चौका, कोई भी कार्ड, 5 कार्ड दैट शेयर द सेम सूट, मतलब 5 एक कलर के कार्ड है, तो उसको बोलते हैं फ्लश। और फ्लश का हमें मल्टीप्लायर मिलता है 35 × 4। हमें सिर्फ अचीव करना है अभी 300 का स्कोर, जो कि बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, पांचवा हार्ट्स का कार्ड लाने के लिए मैं थोड़े 2 3 कार्ड को डिस्कार्ड करूंगा, देखते हैं कौन से 2 कार्ड आते हैं। आ गया मेरे पास, नहीं आया अभी तक भी नहीं आया। इन दोनों को डिस्कार्ड करते हैं, 4 बेटर कार्ड्स आ गए हमारे पास, हो गए अब 5 रेड के कार्ड। और हमेशा 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करो तो आप हाईएस्ट वाला, मतलब लोएस्ट वाला कार्ड, अगर एक बार 6 होते, मान लो अगर ऐसा होता 9 5 6 4
थ्री और टू, तो मैं टू को स्किप कर देता, 9 5 6 4 3 वाला लेता, ठीक है, सिंपल है। अभी देखो, अभी मेरे को पांच कार्ड मैं प्ले करूँगा तो मुझे फ्लश का मल्टीप्लायर मिलेगा, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसने दिखा दिया है 30 फ्लश हो रहा है, मतलब सेम कलर के पांच कार्ड, और उसका हमें मल्टीप्लायर मिल रहा है इंटू फोर, प्लस ये जो कार्ड की वैल्यू है वो, मतलब इसके 9 5 4 3 और 2। अब मैं कार्ड खेलूँगा और आपको मैं बताता हूँ कितना अपना स्कोर होता है प्ले हैंड। तो इसके 9 5 4 3 2, 58 × 4 हमारा स्कोर होगा 232, हमें चाहिए 300, ईजीली अचीवेबल है। अब 300 अचीव करने के लिए हम ईजीली 2 का 2 का पेयर करेंगे तो क्या होगा, 2 पेयर, मतलब हमें 2 का मल्टीप्लायर मिलेगा 20 × 2 = 40, और 48 56 60 और 64, तो 64 खेलेंगे तो हो जाएगा, और प्लस एक 9 ले लेते हैं, नहीं चलो ठीक है इसको ले लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 का ही मिला है, ऑब्वियसली इसका नहीं मिलेगा, तो 88 हुआ, 300 का टारगेट था, 320 हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। तो स्कोर एटलीस्ट 300 चिप्स, जो हमने 320 चिप्स की, 2 हाथ हमारे बच गए थे, हमने 2 बात हमारे हैंड रह गए, तो उसका हमें बोनस मिलता है $1, और अब कैश आउट करेंगे तो ये हमारे बैंक में आ जाएंगे $5। अब ये $5 से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कार्ड्स खरीद सकते हैं। तो ये कार्ड क्या है, लकी कार्ड, 1 in 5 चांस फॉर +20 मल्टीप्लायर, इसका $3 है। ये क्या है, ईच प्लेड कार्ड विथ स्पेड स्वीट गिव्स 1.5 का मल्टीप्लायर, अगर नहीं ये, और ये क्या है, हाँ एक जोकर कार्ड ले लेते हैं, जोकर कार्ड काम के हैं, तो हम अब 5 जोकर कार्ड्स आएंगे, 5 जोकर कार्ड्स मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं, और 2 ये वाले टैरो कार्ड्स बोलते हैं इसको, तो 2 टैरो कार्ड्स कैरी कर सकते हैं और 5 जोकर कार्ड्स। तो मैं अभी ये पैक खरीद लूँगा $4 में, इससे हमें एडवांटेज मिलता है, गेन $3 ऑफ सेल वैल्यू एट एंड ऑफ द राउंड, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। दिस जोकर गेन्स 0.1 मल्टीप्लायर पर स्कोरिंग एनहेंस कार्ड प्लेड, रिमूव्स कार्ड एनहेंसमेंट, नहीं ये नहीं चाहिए, हम ये ले लेंगे अभी के लिए, क्योंकि मुझे कार्ड एनहेंसमेंट, तो 1 जोकर कार्ड हमने रखा है, और अभी मेरे पास $5 बचे हैं। और ये क्या है, सिलेक्टेड कार्ड लकी कार्ड्स, अरे यार तो मैंने गलती कर दी, एक्चुअली मैंने ये और ये लेने का था, ये टैरो कार्ड सिर्फ 2 ही रख सकते हैं हम, ठीक है। अब $2 बच गए और हम नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे, नेक्स्ट राउंड है हमारा 450 का, और सिलेक्ट कर सकते हैं, 450 चिप्स हमारा टारगेट है, और 4 डिस्कार्ड्स अवेलेबल है, और 4 बार हम खेल पाएंगे ये टारगेट को अचीव करने के लिए। 4 बार में हमें 450 अचीव नहीं किया तो मतलब हमारी गेम ओवर। तो अभी क्या है हमारे कार्ड में, 37 8 9 और चिरकुट के 3, डायमंड के 3, मतलब 3 4 5, 5 की पैर है, 7 8 9, ये 3 कार्ड में अभी 7 8 9 10 गल्ला भी हो सकता है, पर मैं अभी उसका चांस नहीं लूँगा, और मैं फ्लश क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। चलो यार ये क्या हो गया, चौगा पंजा छक्का, ये पंजे को जाने देते हैं, 8 10 तो अभी हमारे पास ये कार्ड में 3 4 5 6 है, और अभी 8 10 को भी डिस्कार्ड ही कर दो यार, हाँ नहीं 3 4 5 6 7 कर सकते हैं हम, पर फ्लश नहीं आएगा बट स्ट्रेट आ जाएगा चलेगा। चलो अभी ये कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 करेंगे तो स्ट्रेट का जो मल्टीप्लायर है इसमें, स्ट्रेट का मल्टीप्लायर भी 4 है, फ्लश और स्ट्रेट में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फ्लश में 35 × 4 है और इसमें 30 × 4 है, तो चलेगा, और हमें 450 अचीव करना है, तो 7 + 6 = 13। ये जो है ना, इनको एक पैच में ये कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेट हो जाए, वो ऐसा कुछ डालना चाहिए, अभी नहीं है तो मैन्युअली करना पड़ता है। तो 7 + 6 = 13 + 5 = 18 + 4 = 22 + 25 + 20 + 24 = 120 + 25 ऐसा होगा मेरे ख्याल से, और इंटू फोर मल्टीप्लायर है ना, चलो स्ट्रेट।
उसका फिर मल्टीप्लायर होगा 220, करेक्ट। पहले टोटल होगा, उसको 35 में ऐड होगा और फिर उसका इनटू 4 हो जाएगा। अरे वाह, थ्री ऑफ अ पेयर, थ्री ऑफ अ काइंड हो गया, मतलब थ्री ऑफ अ काइंड का हमें 13-3 का बोनस है। लेवल वन थ्री ऑफ अ काइंड 13-3, ये तो हो गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास, यही खेलेंगे अभी तीन, क्योंकि ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि हमारे पास चार स्पेड्स हैं और ये अभी तो प्ले करते हैं। हमारे पास दो हैंड बचे हैं अभी भी। 63-3 का हो गया मेरे ख्याल से, 189 की ना, 450, ज़्यादा टेंशन नहीं। ओ इसमें तो अब भी आराम से हो गया, तो हमारे प्लस फ्लश हो गया, इक्का दुग्गी तिग्गी छक्का और नौवा, तो हमको फ्लश मिल गया, हम जीत गए। और ऐसा है कितना मिला, 11, 9, 20, 26, 29, 31, 66, हाँ हमने चाहिए थे 450 का हमारा टारगेट था और हमारा स्कोर हुआ 673, तो ये हो गया। रिमेनिंग $1 इन हैंड, कैश आउट कर लेते हैं। अब वापस शॉप करने का चांस मिलेगा, बूस्ट करने का चांस मिलेगा। लेवल अप स्ट्रेट प्लस फ्लश प्लस 4 मल्टीप्लायर एंड 40 चिप्स, ये वाला बहुत अच्छा है। क्या होगा अगर फ्लश हमने क्रिएट किया, जो हम करते हैं, तो हमें उसका प्लस 4 मल्टीप्लायर में प्लस 4 हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी फ्लश का 35 इंटू 4 है, ये 35 इंटू 8 हो जाएगा, तो वो बोनस है। प्लस हमें 40 चिप्स मिलेंगे, तो ये हम लेते हैं। और ये जोकर क्या है, प्लस 30 चिप्स फॉर ईच रिमेनिंग डिस्कार्ड, ये अभी मुझे खर्चा नहीं करना, वैसे भी $4 बचे हैं। चूज ऑफ ये हम स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड, तीन वन कोई एक कार्ड, अगर मैं ये बाय करूँगा तो तीन में से कोई भी एक कार्ड हम चूज़ करके हमारी डेक में ऐड कर सकते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो अभी मैं नेक्स्ट राउंड पे जाऊँगा। ये है काइंड ऑफ बॉस फाइट और माइनस वन हैंड साइज होगा, मतलब एक कार्ड कम मिलेगा हमें, पर रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड इसमें है और सबसे बड़ा टारगेट भी यही है, मतलब फर्स्ट राउंड का बॉस है ये, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, माइनस वन हो गया, एक कार्ड कम। और अभी क्या है, हम ऑलरेडी हम फ्लश क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि तीन और एक चार तो हमारे पास डायमंड्स हैं, तो मैं ये और ये तीनों को डिस्कार्ड कर दूंगा होपिंग। अरे यार ये रैंडमली डिस्कार्ड कर रहा है, शिट मैं भूल गया। तो ये 6, 9, 10 गल्ला और बादशाह, तो ये हो गया अपना फ्लश। ठीक है, इसको प्ले करते हैं। तो 10, 20, 30, 39 + 6, 320 हमारा हो गया। अरे यार ये फ्लश क्रिएट करने के बाद यूज़ का बटन दबाना होता है, ये मुझे नहीं पता था। तो ये और ये तीन कार्ड, क्योंकि मुझे फिर से फ्लश क्रिएट करना है। हमारे पास गल्लार दो जोकर है, एक क्वीन है और एक किंग है, तो होप करेंगे कुछ अच्छा मिले, फिर से बकवास कार्ड मिले, फिर से हम डिस्कार्ड करेंगे। हाँ तो चार हुए, अब मेरे पास कोई भी डिस्कार्ड नहीं बचे, यहाँ पे दिख रहा है आपको ज़ीरो डिस्कार्ड है, तो अब मुझे यही इसी के साथ खेलना पड़ेगा। और अभी मेरे पास क्या है करने को, ये फंस गए हम बुरी तरह से फंसे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हाई कार्ड का मिलेगा, पर यार उसका तो इंटू वन ही है, हाई कार्ड का 5 इंटू 1 ही है, ज़्यादा नहीं है यार। 11 + 10, 20, 30, 31, 41 मान लो इसको भी लगा दिया 51 + 10, 62 का, तो भी हमारा नहीं होगा। और हैंड्स हैं, ठीक है फिर भी चलो कोई वादा नहीं, अभी इतना घटिया खेला है तो चलाना पड़ेगा। नहीं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ना रिस्क लेता हूँ और ये कार्ड खेल देता हूँ। क्या होगा, एक हैंड कम होगा ना, चलेगा। फिर भी हमारे पास और दो हैंड है, शायद ब्लैक आ जाए। डिस्कार्ड तो मेरे पास बच्चे ही नहीं हैं और फालतू का खेलना पड़ेगा। मैं होप कर रहा हूँ कि एक और ब्लैक आ जाए, मतलब स्पेड आ जाए। चलो या कोई भी रैंडम कार्ड खेल के ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तीन कार्ड आ जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं खास, पर उसके लिए नहीं कर रहा मैं, फ्लश क्रिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर शिट यार फ्लश तो हुआ नहीं, और अभी ये लास्ट हैंड है,
आई कार्ड का जो मिला वो लेना पड़ेगा, गए गेम पानी में। देखो ऐसा होता है, 64 गई गेम ओवर हो गई, सही नहीं खेला, सही नहीं खेला, बहुत बुरा खेला, फ्लॉप शो। आई नो फ्लॉप शो है। मैंने थोड़ा रिस्क लिया, नहीं लेना चाहिए था। ड्यू डेक अनलॉक हो गई प्लस एंड एवरी राउंड। और मैं आप लोगों को है ना एक और प्रोफाइल क्रिएट करके मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाता हूँ, शायद अगर हो पाए तो। नई प्रोफाइल बना दें ट्यूटर करके क्रिएट, और ये गेम को ट्यूटोरियल के साथ चालू करता हूँ अगर पॉसिबल है तो। ट्यूटोरियल यहाँ पे ट्यूटोरियल का ऑप्शन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चल ठीक है, शायद ट्यूटोरियल चालू हो जाए, शायद ट्यूटोरियल हो। प्ले, चूज योर नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम शुरू करते तो ट्यूटोरियल दिखाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर खेलना है तो फिर मैं अपने ही प्रोफाइल में क्यों ना खेलूं? एक मिनट। बेस डिफ़िकल्टी, इसमें डिफ़िकल्टी चेंज नहीं होती है, ट्यूटोरियल का ऑप्शन नहीं है, तो मैं प्रोफाइल ही चेंज कर देता हूं। ठीक है, लोड प्रोफाइल। एटलीस्ट इसमें कार्ड्स अनलॉक्ड है। अभी कौन सा वाला जोकर अनलॉक हुआ? हाँ, ये वाला जोकर अनलॉक हुआ, फोर्थ कार्ड आउट ऑफ फोर्थ कार्ड ये अनलॉक हुआ। टैरो कार्ड एक और अनलॉक हुआ। द मैजिशियन एनहेंसेस टू सिलेक्टेड कार्ड्स टू प्ले लकी कार्ड्स। चलो एक फटाफट एक रन कर लेते हैं, फिर से एक ट्राई करते हैं, मैंने थोड़ा ठीक खेलना था। ब्लू डेक प्लस वन हैंड, प्लस वन हैंड, हाँ प्लस वन डिस्कार्ड चाहिए या प्लस वन हैंड चाहिए? नहीं, प्लस वन हैंड लेते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, प्ले अच्छे से खेलेंगे इस बार, थोड़ा सोच समझ के खेलेंगे। स्मॉल ब्लाइंड, चलो 300 का चिप्स का टारगेट ये फटाफट ख़त्म कर लेंगे। 9 9 दो का पैर कर लेंगे, और ये दो और थ्री ऑफ अ काइंड फुल हाउस हो गया, क्योंकि फुल हाउस क्यों, दो की एक पैर और एक थ्री ऑफ अ काइंड तो फुल हाउस। तो फुल हाउस का हमें मल्टीप्लायर मिलेगा 14 × 4 प्लस ये कार्ड का, मतलब 9 + 9 = 18 21 24 27 प्लस 40 67 × 4 हो जाएगा, जो भी टोटल आएगा वो हमारा स्कोर 67 × 4। यस एग्जैक्टली 67 × 4 = 268। 300 ही सिर्फ अचीव करना है, दो मिनट में हो जाएगा, मैं इसमें कुछ ध्यान भी नहीं देने वाला हूँ। हो जाएगा ना, ये करते हैं 2 3 4 5 6 प्ले कर दो। ये स्ट्रेट हो गया, और स्ट्रेट का हमें मिलेगा स्ट्रेट फ्लश का स्ट्रेट है, अच्छा स्ट्रेट है, स्ट्रेट फ्लश नहीं है। स्ट्रेट और स्ट्रेट फ्लश में ये इसमें अलग अलग है, स्पेड्स हार्ड डायमंड मिक्स है, इसमें कोई भी एक कलर का होना चाहिए, सेम सूट का होना चाहिए। तो हमें स्ट्रेट का 13 × 4 मल्टीप्लायर मिला, प्लस 6 + 5 = 11 15 18 20 + 30 50 × 4 200 हो गया 500। जीत गए, ये पहला राउंड पप्पू राउंड होता है, पहला राउंड हमेशा वार्म अप भी किया, हाँ वार्म अप बोल सकते हैं। जीत गए 468। बहुत एडिक्टिव गेम है भाई, इसमें कितने घंटे निकल जाए आपको पता ना चले, और साथ में क्या है कार्ड्स और अलग अलग चीज़ें अनलॉक होती है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। तो $6 हमें कैश आउट करने को मिला, क्योंकि तीन हाथ रिमेन हो गए थे, तो उस एक हैंड जितने भी हैंड रिमेनिंग होंगे उसका $1 मिलेगा। अगर यहाँ चार है तो $4 मिलेंगे, दो है तो दो, ऐसे तो अभी $6 मिले, चार बैंक में थे तो टोटल $10 है। ये है टैरो कार्ड्स, जिसमें एक है अर्थ और एक है नेपट्यून। लेवल अप फुल हाउस प्लस 2 मल्टीप्लायर प्लस 25, ये भी अच्छा है। ये क्या है, लेवल अप स्ट्रेट फ्लश प्लस वो, ये भी जोरदार, ये बॉस फाइट में काम आ सकता है। अगर फ्लश अगर बॉस फाइट में यूज़ किया उसमें प्लस 4 मल्टीप्लायर और 40 चिप्स, तो आपको जूप करके अलग ही एडवांटेज मिल सकता है। लेवल अप फुल हाउस प्लस 2, नहीं अपने ये फ्लश वाला यूज़ करेंगे, अभी बाय करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट राउंड मैं ये बॉस फाइट में ट्राई करूँगा, इसमें तो ऐसे ही जीतने की कोशिश करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं मेहनत करने की ज़्यादा। क्या है हमारे पास, इक्का राजा रानी गल्ला दस्ता, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट हो गया। ये क्या,
टेन कर दो भाई, इसका हिसाब लगाओ। बी 11, 10, 21, 31, 41, 51 प्लस 30, 81 इंटू 4। जीत गए? नहीं जीत गए। एनी वेज नॉट अ प्रॉब्लम। दो पैर आ गई हमारे पास, 22, 40, थ्री ऑफ अ काइंड हो सकता था। नहीं, स्पेड्स कितने हैं? एक्चुअली हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि स्पेड्स में 1, 2, 3 और 4 हैं और हमें चाहिए सिर्फ 5, तो मैं रिस्क लूँगा फिर से एज़ यूजुअल, आदत से मजबूर। डिस्कार्ड करता हूँ ये पहले डिस्कार्ड करने लायक कार्ड्स। ओ हुआ 1, 2, 3 नहीं हुआ। बे यार ये क्या है, ले एक दे दो यार स्पेड्स। लो डिस्कार्ड करने को कुछ बचा नहीं, लटक गए, यही होता है। कोई नहीं, जीत तो गए ही है, ऐसे कर लेते हैं। प्ले 20, 26, 32, 52 into 200। ओए अरे शिट यार, टू ऑफ अ पेयर, पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। अब तो पक्का जीत गए, पक्का जीत गए अभी तो। सुपर गेम है, बहुत मस्त गेम है। आप खेलोगे, एक बार शुरू करोगे खेलते ही रह जाओगे। थोड़ा लर्निंग कर्व होता है ऐसे सारी गेम्स में, तो यू नो यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस। लाइक होगा फेलियर्स बहुत होता है इसमें, हो तो उसे हर फेलियर से सीखने को मिलता है, दिमाग मतलब यू नो काम में लग जाता है। अब ये क्या है, प्लस 2 चिप्स फॉर ईच रिमेनिंग कार्ड इन द डेक। अगर कार्ड में 40 है तो प्लस 2 चिप्स तो 80। अच्छा अभी 52 कार्ड है तो 104 चिप्स जितने भी बचेंगे उसके प्लस 2 मिलेंगे, ये ठीक है। कन्वर्ट्स अप टू 3 सिलेक्टेड कार्ड्स टू हार्ड, ये काम आ सकता है भाई, ये बहुत यू नो ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है। क्योंकि मान लो हमारे पास 2 हार्ट्स वाले कार्ड हैं और हमें फ्लश बनाना है, तो ऐसा टाइम पे ये हमारे साथ देगा, तो हम इतना बाय करेंगे और बॉस फाइट पे जाएंगे। क्या है इसका, ऑल स्पेड कार्ड्स आर डी बफ्ड, मतलब स्पेड कार्ड जो होंगे उसकी इफेक्ट नलीफाई हो जाए। मैं दिखाता हूँ अगर स्पेड कार्ड आएंगे या आएंगे, ये एक्स लग गया ना इसके ऊपर, एक्स लग गया, डी बफ है, मतलब कोई चिप नहीं मिलेगी। तो स्पेड इस बार स्पेड पे टारगेट करने का मतलब नहीं हुआ ना, ये थ्री ऑफ अ काइंड तो फिर भी बनेगा मेरे ख्याल से, पर इसका पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमें सोच समझ के खेलना है। और इसमें क्या सीक्वेंस बननी है, 8, 9, 10, तो हम स्पेड को जाने दे सकते हैं। और हमें 600 का टारगेट अचीव करना है, तो बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा, ऐसे मस्ती नहीं चलेगी इसमें। और इसमें हमारे पास क्या है यूज़ करने को, नेपच्यून है। नेपच्यून क्या करेगा, लेवल्स ऑफ स्ट्रेट फ्लश प्लस 4 मल्टीप्लायर्स। स्ट्रेट फ्लश मतलब, अरे स्ट्रेट फ्लश तो कहाँ से होने से लगा, गलती होगी। 8, 9 सेम कलर के कार्ड कहाँ से स्ट्रेट फ्लश बनाना होगा, तो 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। तो ये रानी और ये इसको डिस्कार्ड करके देखते हैं, 7 आना चाहिए, नहीं आया। इन दोनों को भी डिस्कार्ड करो भाई, हमारे पास डिस्कार्ड करने को कुछ बचा नहीं है अभी खास, एक ही बार हम डिस्कार्ड कर पाएंगे लगता है, फिर बैंड बजेगी इसमें मेरी, प्रभु बचा ले। इसको ही डिस्कार्ड कर सकता हूँ, रिस्क है यार, बहुत बड़ा रिस्क है, 0 है यार, कैसे आगे बढ़ेंगे। इसको ही डिस्कार्ड कर रहा हूँ, लो मरे, कोई नहीं, मैं अभी इससे चालू करता हूँ। नहीं पर मैं 10 यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि 6, 7, 8, 9 अगर 5 आया तो 5, 6, 7 ही नहीं, कैसे 8, 9, 10 गल्ला चाहिए। क्या नाम है, जोकर को डिस्कार्ड कर दिया क्या मैंने इससे पहले, शिट पता नहीं। चल प्ले एंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डिस्कार्ड तो होने से हमारे पास है ही नहीं डिस्कार्ड करने का। 64, 600 मतलब इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है। मैं जैसे ही इसको यूज़ करूँगा ना 5 आएगा या तो पता नहीं क्या, कोई नहीं, पर ये कम रिस्क है इसमें, रेडी फिर भी कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। 134 आया 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 आया, जिसका हमें था इंतज़ार, हमारा ले आया। अभी यार 5 को कैसे करें हम इसको, 7, 8, 9 मतलब 5, 6 चाहिए था, वो गया। रिस्क है यार, चलो 5 आया, मैं उसको नहीं जाने दे सकता। अब इसके बाद अगर जोकर आया तो मैं मर गया, देखते हैं। 2 हैंड बचे मेरे पास, 600 स्कोर करना है, रिस्की है।
ए भाई साहब, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये हुआ मेरे पास 987। अगर मैं, यस यस यस, स्ट्रेट फ्लश तो नहीं अपने पास, कन्वर्ट्स थ्री कार्ड्स इनटू हार्ट्स, थ्री कार्ड्स इनटू हार्ट्स कर सकता हूँ, पर अभी ये हार्ट हैंड खेलता हूँ। इसका मल्टीप्लायर मिलेगा इनटू फोर, ए कितना हो रहा है, 68 इनटू फोर 272, 466। टाइट है, टाइट है बॉस, टाइट है। एक का गल्ला ये हो गया, 35 to 4, देखते हैं कितना हो जाएगा। मेरे ख्याल से 600 शायद, या थोड़े से क्लियर रह जाएंगे, देखते हैं। 11 21 25 28 13, नहीं होगा, 260। हो गया हो गया हो गया, जीत गए जीत गए। ये ओ शिट, सॉरी, जीत गए भाई, बॉस फाइट जीत गए। और हमें $2 इंटरेस्ट मिला पर $5, मतलब अगर अगर आपके बैंक में $5 है तो आपको हर राउंड के बाद $1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 वाला 6 हो जाएगा, 6 वाला 7 हो जाएगा, तो हर डॉलर का, तो हमें $2 मिले। कैश आउट मिला ऊपर से $7, तो मतलब हमारे पास हो गए 18। अब ये हो गए हम रिच, ठीक है। हम रीरोल भी कर सकते हैं अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा, उसका खर्चा होता है, मेरे को नहीं करना। इससे करने से +1 मिलेगा, पर हम ऑलरेडी ब्लू टेक ले रहे, यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें +1 इन द हैंड है, वैसे $6 खर्चा नहीं करना। मून का क्या है, कन्वर्ट्स अप टू 3 सिलेक्टेड कार्ड्स टू क्लब्स, नहीं चाहिए। वाउचर्स, हर पैक, हर ऑल कार्ड्स एंड पैक्स इन द शॉप, मतलब इसकी कॉस्ट 25% ऑफ हो जाएगी, ये लॉन्ग रन में काम आ सकता है। और स्टैंडर्ड कार्ड्स, जंबो पैक, 5 में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं, और इसमें से 2 में से 1 कोई टैरो कार्ड ले सकते हैं, तो हमको रिस्क अगर लेना है तो ये ले लेता हूँ, वाउचर रिडीम कर लेता हूँ, पर अभी रिडीम करूँगा तो चलेगा, चलो करके देखते हैं। क्लियरेंस सेल आ गया, मतलब अब सब सस्ता हो जाएगा, मतलब महंगा था वो सस्ता अब अफोर्डेबल हो गया। चलो एक जोकर ये बाय कर ही लेते, +1 आएगा, नुकसान तो है नहीं। अब जो है हमारा, अब डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगा, मतलब पिछले राउंड में बॉस की डिफ़िकल्टी 600 थी, इसकी स्टार्टिंग 800 है, और उसका जो बॉस है वो 1600 है, प्लस लेवल ऑफ प्लेयर पोकर का ये डिफ़िकल्टी और बढ़ेगी इसके साथ। तो चलो खेल स्किप कर सकते हैं, पर स्किप करने से इसकी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी एक इफेक्ट आ सकती है, जो मैंने नहीं अभी तक ट्राई किया है, मैं कभी स्किप नहीं किया। तो +1 मिला हमें, और क्या सिचुएशन है, 10 गल्ला रानी राजा, मतलब नौवा मिले तो हो सकता है, तो हम ये पैर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है चल ले। अभी तो 800 स्कोर करना, मतलब बड़ा शॉट मारना पड़ेगा, 132। हाँ तो ये आया 25 26 37 80। हाँ ये इसको डिस्कार्ड करते हैं। बे यार ये क्या मजाक हो रहा है, 5 गया, 5 आया, 5 6 7 8, हाई कार्ड, इसमें कुछ नहीं होगा। पैर खेल लेते हैं, वन फोर्टी 272। अरे यार अभी देखते हैं, और 6 7 8 9 10, हाँ ये हो गया, देखो 6 7 8 9 10, मतलब इसमें हम 6 7 8 9 10 नहीं करेंगे, क्योंकि हम करेंगे 8 9 10 गल्ला रानी, ये ठीक है, राजा होता तो बहुत ज़ोरदार होता, बट ठीक है, हम 6 7 8 9 भी कर सकते हैं, फिर 10 गल्ला रानी राजा का भी चांस ले सकते हैं। चलो ठीक है, वो रिस्क लेके भी देख लेते हैं, प्ले हैंड शायद राजा आ जाए, नहीं पर 6 7 8 9 10 होगा ना, 5 हुआ तो फ़ायदा नहीं है, तो 7 8 9 वाला ड्रॉप कर देते हैं, 8 9 10 गल्ला रानी ये करेंगे, तो स्ट्रेट का हमें बोनस मिलेगा 13 to 4, 20 30 39, और 39 46, 508, 780, जीत गए ये राउंड तो, जीत गए हम लोग। ये देखो राजा आया, एक का राजा रानी नहीं होगा, इसकी पैर का होगा, 2 हार्ट्स है ना, और फिर 3 हाई कार्ड ले लेते हैं, यार क्या फर्क पड़ता है, 2 यार पैर का, ये नया सीखने मिला, देखो वेस्ट हो गया मेरा। एनीवेज जीत गए,
ऐसे कभी नहीं करना, मतलब एक का राजा रानी का कुछ नहीं मिला, खाली वो जो पैर थी उसका ही मिला। कैश आउट कर लेते हैं, ठीक सही नहीं खेला पर ठीक है जीत गए। प्लस थ्री मल्टीप्लायर फॉर ईच जोकर कार्ड, मतलब ये तीन है तो उसका प्लस थ्री है। हाँ तो, और प्लस टू पर डिस्कार्ड इफ नो डिस्कार्ड। डॉलर नहीं कमाने हमको, ये ले लेते हैं। मल्टीप्लायर चाहिए। अब इस बार का टारगेट है 1200 अचीव करने के लिए हमको ठीक से खेलना पड़ेगा। तो हम ये फ्लश कर सकते हैं, और इसके पास हमारे पास कुछ है ना फ्लश का, स्ट्रेट फ्लश कहाँ है मेरे भाई, स्ट्रेट फ्लश। ये कार्ड गलत आ गया, नेपच्यून नहीं लूँगा कभी। तो क्या आ सकता है, नौवा दसा गल्ला रानी राजा ये भी हो सकता है। इसका किया तो 35x4 होगा, अगर नौवा दसा गल्ला रानी राजा किया तो 13x4 होगा, बट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये करते हैं 40 20 30 40 49 plus 129 to 4। हाँ आग लग गई, 1290 जीत गए बॉस, जीत गए एक ही शॉट में। सुपर बॉस फाइट सेकेंड राउंड, ज़बरदस्त कैश आउट। अब बॉस फाइट है तो मैं कुछ अच्छा लूँगा यार, बॉस फाइट में मर जाते हैं। 1x4 चांस ऑफ क्रिएटिंग ईच प्ले डेट का प्लस 30 चीज फॉर ईच रिमेनिंग डिस्कार्ड। नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये करते हैं $3 का खर्चा और जोकर कार्ड लेने का ट्राई करते हैं। क्या है, री ट्रिगर ऑल कार्ड्स प्लेड फॉर द नेक्स्ट 10 हैंड्स, ईच प्लेड 10 और 4 गिव्स प्लस 10 चिप्स। ये ले लो, कॉमन है बट ठीक है ले लेते हैं। दो स्लॉट अभी भी है जोकर कार्ड के लिए हमारे पास, चलो इसका भी खर्चा कर लेते हैं। बॉस फाइट में कंजूसी नहीं करने की। क्या है, क्रिएट्स द लास्ट टैरो एंड और प्लैनेट कार्ड यूज्ड ड्यूरिंग दिस रन, क्रिएट्स द लास्ट टैरो और प्लैनेट कार्ड। ये क्या है, 1 in 4 चांस टू ऐड फॉइल यूज, क्यों क्या हुआ, देखो ये गड़बड़ी होगी। चलो यार डिफीट बॉस फाइट, ये बॉस फाइट है। डिक्रीज द लेवल ऑफ प्लेयर प्लेड पोकर, टारगेट है 1600 और ठीक से खेलना है। इक्का रानी गल दस, तो ये हो जाएगा 9 10 राजा आया तो ये हो जाएगा। अभी हम कुछ नहीं करते हैं, 4 5 6 7 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकता है, वो मुझे ये नहीं करना अभी इसको। और नहीं ठीक है, मैं इस दोनों को डिस्कार्ड करता हूँ अभी तो फिलहाल के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। 3 of a kind मिल गया है ना, तो अपने ये यूज़ कर ही लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और 3 कार्ड प्ले करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट 3 कार्ड्स क्या आते हैं हमारे पास। 101 into 12 1 2 1 2 भाई साहब ये क्या हो रहा है, ओ 3 of a kind फिर से आया हमारे पास, फिर से खेल लेते हैं, देखते हैं इसका क्या सीन आता है। 44 44 ओ भाई ये क्या हो रहा है, जीत गए 4000। मुझे भी पता नहीं चला, ये टीम गजब काम हो गया यार, बॉस को एक झटके में हरा दिया, मुझे खुद को अभी तक पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। मैं ये अभी तक तो यहाँ तक रखूँगा, अगले रन में आप लोगों को लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहा हूँ कि अगला रन लाइव स्ट्रीम करूँगा या तो फिर यहीं से कंटिन्यू करूँगा। एंड तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, एंड आई होप मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।